गुड़ थाना अंतर्गत सोलर प्लांट के पास एक तेंदुआ अपने दो बच्चों के साथ देखे जाने से इलाके में हड़कंप का माहौल। इसके पहले भी उसी इलाके में एक भालू देखा गया था। माना जा रहा है इस समय वहां पर वन प्राणी कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहे हैं। गुड़ के सोलर प्लांट में तेंदुआ होने की खबर से क्षेत्र में मचा हड़कंप। कुछ दिन पूर्व यहीं पर और भी कई जानवर देखने की खबर आई थी। मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर तेंदुए की खोजने का प्रयास प्रारंभ किया। कुछ ही दूर में लगभग 200 मीटर की दूरी पर शावकों के साथ तेंदुआ देखा गया, जिन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ वन विभाग की टीम ने जंगल में प्रवेश कराने का प्रयास किया था या फिर पकड़ने का। तेंदुए को सर्च टावर के वॉचमैन ने देखा। इस बात की जानकारी उसने संबंधित अधिकारियों को दी। तेंदुए की उपस्थित होने से सोलर प्लांट के अंदर हड़कंप का माहौल था। वहीं इस बात की जानकारी लगते ही तत्काल वन विभाग की टीम सक्रिय हुई तथा वन मंडल रीवा एवं सर्किल गुड़ का स्टाफ सर्चिंग में जुट गया और कंपनी के सिक्योरिटी उनकी टीम की मदद से पूरी रात सर्चिंग की गई। लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया। वन क्षेत्र में तेंदुआ होने की पुष्टि वन विभाग की टीम द्वारा की गई है। लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के बाद तेंदुए की उपस्थित के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की गई, उनको जानकारी दी गई। इस बात को लेकर हमने बात भी की है कुछ अधिकारियों से। सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी रीवा अपनी टीम व दल बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। सर्चिंग के दौरान लगभग 200 मीटर की दूरी पर शावकों के साथ तेंदुआ देखा गया, जिन्हें पकड़ने का या फिर वापस जंगल में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। माना जा रहा है वन विभाग की टीम द्वारा रात में तेंदुआ में उसके दोनों शावकों को जंगल में प्रवेश करा दिया गया है। हमने DFO रीवा चंद्रशेखर सिंह से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमें इस बात की जैसे ही जानकारी मिली सौर ऊर्जा संयंत्र में तेंदुआ घुस आया है, तत्काल ही हमने अपना वहां पर अमला पूरा रवाना कर दिया था। रात में ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी। हमारी टीम ने देखा एक तेंदुआ दो शावकों के साथ वहां पर टहल रहा है। हमारी कोशिश थी या हम उसको सुरक्षित पकड़ लें या फिर सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर रवाना कर दें। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उसको जंगल की ओर रवाना कर दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम एक बार फिर से कह रही है कि हम उस इलाके में लगातार नजर रखेंगे, सर्चिंग करते रहेंगे। सुनिए चंद्रशेखर सिंह DFO रीवा क्या कुछ कह रहे हैं। वहां पहुंची थी, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी तो हमारी टीम वहां गई थी और उन्होंने जानकारी लिया है और जानकारी लेने के बाद में ये जानकारी मिल पाई है कि एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ में उस वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। कहाँ है वो? वो रात की बात है। वो रात में सोलर प्लांट के कर्मचारी ने वॉच टावर के ऊपर से उसको देखा था और वो वन्य प्राणी तो फिर इसी वन क्षेत्र में चला गया है और विभाग की तरफ से हमने आसपास के गांवों में मुनादी कराई है कि एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ में उस क्षेत्र में विचरण कर रही है, तो लोग जंगल में ना जाएं और सावधानी बरतें। देखिए जो गुड़ में सोलर प्लांट के पास में जो जानवर देखे जाने की घटना हुई है, वो वास्तविकता उसकी जानकारी विभाग द्वारा लगाई गई। सोलर प्लांट के से लगा हुआ जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में एक मादा तेंदुआ जो है अपने दो छोटे बच्चों के साथ में विचरण कर रही थी। जो सोलर प्लांट के जो परिसर के अंदर में जो वॉच टावर लगा है, उस वॉच टावर के कर्मचारी ने उसको देखा है और उन्होंने जो वन विभाग को सूचना दी थी उस आधार पर वन विभाग ने वहां पर जांच पड़ताल करने के पश्चात में पाया कि एक मादा तेंदुआ अपने दो बच्चों के साथ में घूम रही थी जो सोलर प्लांट से लगे हुए जंगल में फिर वापस चली गई।